नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गुंजन में। मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूं जो मैंने इस परिवेश में महसूस किया है, देखा है, समझा है, उसी के आधार पे है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी ओकेशन आता है, जैसे स्पेशल दिन होता है, कोई पर्यावरण दिवस हो गया या आप कह लीजिए एड्स दिवस हो गया, महिला दिवस हो गया। जैसे हाल फिलहाल में अभी जो हमारे सामने जो था योगा दिवस था दोस्तों, उस दिन मैंने जो देखा है एक होर सी लग गई है, जैसे पत्र पत्रिकाओं में या यूं कहे सोशल मीडिया पे लोग ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे ये बस आज का दिन है और इसके बाद में इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस जो समाज में व्याप्त ये जो चीज़ें हैं, इन्हें हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को और हमारे जो बुद्धिजीवी लोगों ने जो दिन बनाए हैं, जो स्पेशल दिवस जिसको हम मनाते हैं, कुछ उनका मकसद था इसके पीछे, ताकि हम उन चीज़ों को, अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को, जो हमें भविष्य में और वर्तमान दोनों में लाभ देने वाली है, उनको ना भूलें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही औचित्य था कि मैं आपको इस बारे अवेयर करूं, थोड़ा सा समझाऊं, ताकि आने वाले जो हमारा जो फ्यूचर है, जो जनरेशन है, उनको इन चीज़ों का लाभ मिल सके। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है पॉलीथीन का। सरकार, प्रशासन, इन सब की तो इसमें कंट्रीब्यूशन है, कोशिशें हैं कि इन चीज़ों पर रोकथाम लगाया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, जो हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, इनकी रोकथाम के लिए हम कदम उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं दोस्तों ये नहीं कहता कि एक ही दिन में क्रांति आ जाएगी, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश, अगर हम घर से शुरुआत करें, हम खुद से शुरुआत करें, तो ऐसा मुझे लगता है कि नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, पॉलीथीन एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैं कुछ साल पहले अपनी लाइफ की बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे पूर्वज, मेरे बड़े बुजुर्ग ऐसा कुछ करते थे, लेकिन मैं खुद की बात करूं तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि पॉलीथीन इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो क्यों नहीं, जो समाज में जो चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जैसे हमें आने वाले फ्यूचर को ख़राब कर सकता है, या ये वर्तमान को जो ख़राब कर रहा है, अगर इन चीज़ों को त्याग से कुछ अच्छा हो सकता है तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, मेरी विनती है कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। बाज़ार जाते समय अगर आप घर से थैला लेके चलें या कोई बैग लेके चलें, तो मुझे नहीं लगता इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। इससे ना हम अपने पर्यावरण को बचाते हैं, पेड़ पौधा और आने वाले फ्यूचर, इन सबको भी बचा सकते हैं। दूसरा मुद्दा है दोस्तों पानी का। पानी कुदरत का एक ऐसा अनमोल देन है, हम बाकी हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी साइंस क्रिएट नहीं कर सकती, आप नहीं बना सकते। तो जिन चीज़ों का आप बना नहीं सकते, उसको बिगाड़ने में कौन सी अकलमंदी है। तो दोस्तों, पानी जो है कुदरत की इतनी बड़ी देन है, उसको संभाल के इस्तेमाल करें, उसे संभालें जितना हो सके। हम कोशिश करते हैं, मैं नहीं कहते दोस्तों कि एक दिन में क्रांति आ जाएगी, लेकिन अगर अपने घर से ही शुरुआत की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर होगा जब हम इस ओर एक पॉजिटिव कदम बढ़ा सके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ला सके। दोस्तों, खुद भी इस तरफ अवेयर हों, लोगों को भी अवेयर करें,
घर से ही शुरुआत करें, अपने बच्चों को रोज़मर्रा के लाइफ में जो इस्तेमाल है पानी का उसके बारे में समझाएं और कोशिश करें कि ज़रूरत के हिसाब से ही पानी का इस्तेमाल हो, उसका दुरुपयोग ना हो। बहुत सारे माध्यम हैं दोस्तों, जैसे हम पानी की वेस्टेज करते हैं तो पानी को संभाला जा सकता है और उसकी वेस्टेज को रोका जा सकता है। हम पानी को अन्यथा ना लें, अगर हम इसी तरह पानी का दोहन करते रहें, इसी तरह पानी का इस्तेमाल या गलत दुरुपयोग करते रहें तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें पीने के लिए ही पानी मुश्किल से ही ढूंढना पड़ेगा। आप एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे अखबार पत्र पत्रिकाओं में फोटो आप टेलीविज़न पे, तो आप आजकल तो इलेक्ट्रिक मीडिया की ज़माना है और सोशल मीडिया है तो लोग आम तौर पे ये चीज़ें हो गई। आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप देखो जहाँ पे आप स्वच्छ पानी का जो आप पीने लायक जो पानी है उसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग पीने के लिए पानी को तरसते हैं। पता नहीं उनकी ज़िंदगी, आप एक दिन के लिए दोस्तों एक बार कोशिश करें, एक दिन के लिए आप घर में अपनी टंकी को फुल ना करें। आप देख लेना इस गर्मी के सीज़न में, अभी जैसे 45, 43, 42 डिग्री सेल्सियस अभी जो गर्मी का सीज़न जो चल रहा है, आपके घर में हाहाकार मच जाएगा पानी के वजह से, आपको इसकी कीमत पता लग जाएगी कि पानी की क्या अहमियत है। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, हर रोज़ मैं कोशिश करूंगा एक छोटी छोटी इस टॉपिक पे मैं आपसे बातचीत साझा करूं, शेयर करूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन मुद्दों को आपके सामने लाऊं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, अपने बच्चे को, अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले, इन सबको अवेयर करें और खुद से मन से, ऐसा ना हो कि दोस्तों ये कोई फॉर्मेलिटी के तौर है। आप देखते होंगे बहुत सारे जनता है जो फॉर्मेलिटी अखबार में छपने के लिए सिर्फ ये काम करते हैं, जहाँ कोई ओकेशन हो, जहाँ पे दिखावा करना हो तो वहाँ पे ये चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ दिखावा नहीं किया जा सकता, बल्कि इन सब चीज़ों को अपने मन से आत्महत्या करने की ज़रूरत है, मन से जुड़ने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक पॉजिटिव भावना होनी चाहिए, आपके अंदर एक ऐसा लोगों के प्रति संवेदना होनी चाहिए, लोगों के प्रति एक प्यार होना चाहिए और अपने प्रकृति के प्रति एक प्यार होना चाहिए, ताकि आप इन सब चीज़ों को संजो सके, बचा सकें। तो शुभकामनाओं के साथ में एक अच्छी शुरुआत करें और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें आप भी मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ें, एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाएं, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे आप मेरे साथ शेयर करें। मैं उस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने लोगों को, अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में और जहाँ तक संभव हो सके मैं उनके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि एक पॉजिटिव कदम उठाई जा सके।